हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डेट इज़ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, और ये आता है हमारे इम्यूनिटी चैप्टर के अंदर। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो यार, बेसिकली इम्यूनो टॉलरेंस है क्या चीज़? तो यार, हम जानते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो हम एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट एंटीजन्स, ठीक है। तो अब बात करेंगे यार हम कि यार एंटीजन्स तो हमारे सेल्स में भी होता है, तो वही चीज़ है कि हमारे सेल्फ के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बना दे हमारा इम्यून सिस्टम, उसी को कहते हैं हम इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज़ अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज इनकैपेबल ऑफ डेवलपिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट हिज ओन टिश्यू एंटीजन्स, ठीक है। तो जो मैंने बोला वही डेफिनेशन इंग्लिश में हमने पढ़ ली है। तो यार, ये होती कैसे है? तो यार, ये दो तरीके से होती है। पहली जो है हमारी, डेट इज़ कि भाई या तो हम जो है सेंट्रल टॉलरेंस करवा दें या फिर पैरल टॉलरेंस करवा दें। तो सेंट्रल होती है सबसे पहले, अगर सेंट्रल से निकल जाता है, एस्केप कर जाता है कोई लिम्फोसाइट, तो वो पेरिपैरल टॉलरेंस में जाके उसको सुधार दिया जाता है कि बेटा अब जो है तू एंटीबॉडी मत बना। तो देखते हैं हम पहले सेंट्रल टॉलरेंस। तो सेंट्रल टॉलरेंस जो है, एक तो होती है हमारी यार पहले थाइमस में और बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टी सेल डेवलपमेंट इन थाइमस, इफ एनी सेल्फ एंटीजन्स आर एनकाउंटर्ड, दे आर प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय थाइमस APC, ठीक है। इफ एनी डेवलपिंग टी सेल एक्सप्रेसेस अ रिसेप्टर फॉर सच सेल्फ एंटीजन, इट इज नेगेटिवली सिलेक्टेड, मतलब कि उसको डिलीट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अपोप्टोसिस। सेकंड, बोन मैरो में क्या होता है, अगर बी सेल एनकाउंटर कर रहा है सेल्फ एंटीजन को, टी सेल कर रहा है तो उसको मार दे रहा है काय से, अपोप्टोसिस से, बट अगर बी सेल एनकाउंटर कर रहा है तो इसके लिए दो मैकेनिज्म अपनाई जाती हैं, डेट इज़ रिसेप्टर एडिटिंग एंड द अनदर वन इज नेगेटिव सिलेक्शन, जो हमने टी सेल में भी देखी। तो रिसेप्टर एडिटिंग में क्या होती है, इसमें क्या करते हैं ना कि ये ऐसी प्रोसेस है वाई बिच बी सेल रिएक्टिवेट द मशीनरी ऑफ एंटीजन रिसेप्टर जीन, ठीक है। ये रिएक्टिवेट करता है मशीनरी को ऑफ एंटीजन रिसेप्टर जीन की। सो नाउ न्यू बी सेल रिसेप्टर वोंट आइडेंटिफाई द सेल्फ एंटीजन, तो मतलब ये सुधर चुका है, ये अब अपने ही सेल्फ एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। बट अगर वो करता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, अगेन जैसे हमने टी सेल के साथ करा था, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो पहले हम बी सेल में रिसेप्टर एडिटिंग करेंगे कि भाई सुधर जा, ठीक है, वी गिव यू अ चांस, इम्प्रूव योर सेल्फ, डोंट क्रिएट एंटीबॉडीज अगेंस्ट ओन एंटीजन। बट अगर नहीं मानता है तो उसको नेगेटिव सिलेक्शन से डिलीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेरिपैरल टॉलरेंस। इसमें क्या होता है, तो पेरिपैरल टॉलरेंस एक नहीं है, उसके 6-7 हैं, ठीक है। तो हम सारे एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा नंबर यार इसका एनर्जी का, ठीक है। तो क्या होता है, हमने पढ़ा है कि भाई जब फॉरेन बॉडी आती है तो हमें दो सिग्नल मिलते हैं, सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2, ठीक है। पहले में क्या होता है कि APC रिप्रेजेंट करता है एंटीजन को और टी सेल उसको समझ लेता है। फिर उसके बाद क्या होता था कि B7 जो मॉलिक्यूल है ऑन APC डेट बाइंड्स टू CD28 ऑन टी सेल, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसेस हो रही थी हमारी पूरी इम्यूनिटी की। बट यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सिग्नल 1 तो दे रहे हैं बट सिग्नल 2 नहीं दे रहे हैं। सिग्नल 2 क्या था, B7 मॉलिक्यूल्स ऑन APC बाइंड होते थे CD28 में। बट अब क्या कर रहे हैं हम कि जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल है, सिग्नल 2 है, उसको क्या कर रहे हैं हम कि B7 मॉलिक्यूल जो है APC का, वो CTLA4 की तरफ बाइंड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सिग्नल 2 ब्लॉक हो जाता है। मतलब कि अगर कोई बाहर की फॉरेन बॉडी आ रही है, तो हम सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2 दोनों दे रहे हैं, तब जाके रिस्पॉन्स आ रहा है। बट हमारे सेल्फ में क्या होता है कि हम केवल सिग्नल 1 दे रहे हैं, सिग्नल 2 दे ही नहीं रहे हैं। तो जब सिग्नल 2 जा ही नहीं रहा है तो फर्दर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अब जो हम मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी की पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई अगर इसमें खराबी आती है तो अभी थोड़ा रुक जाओ। देन देखते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स के बारे में। तो टी रेगुलेटरी सेल्स जो है ना हमारे, दीज आर द टी रेगुलेटरी सेल्स कैन डाउन रेगुलेट द सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स थ्रू सीक्रेटिंग साइटोकाइंस और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किलिंग ऑफ द टी सेल्स,
तो टी रेगुलेटरी सेल्स क्या करते हैं कि ये डाउन रेगुलेट कर देते हैं सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को, कैसे, बाय सीक्रेटिंग साइटोकाइंस या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किलिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई किलिंग ऑफ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स, ठीक है, किलिंग ऑफ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स या फिर अपोप्टोसिस बाय AICD। अब AICD का फुल फॉर्म क्या है पहले तो वो समझते हैं। तो देखो यार, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स लीड्स टू अप रेगुलेशन ऑफ फास्ट लाइगेंड विच इंटरेक्ट विथ फास्ट लीडिंग टू अपोप्टोसिस कॉल्ड एज AICD एक्टिवेशन इंड्यूस सेल डेथ। क्या हो रहा है इसमें कि भाई टी सेल एक्टिवेट हो गया कम्प्लीटली, बट उसके कारण क्या है, फास्ट लाइगेंड का अप रेगुलेशन हो गया है। अप रेगुलेशन हुआ है तो वो फास्ट से रिएक्ट करेगा एंड अपोप्टोसिस हो जाएगी, इसलिए हमने कहा था इसको एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से ये बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे टी सेल एक्टिवेट हो गया, अप रेगुलेशन हुआ फास्ट लाइगेंड का, वो रिएक्ट किया फास्ट से एंड अपोप्टोसिस हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यार हमारा क्रिप्टिक हिडन एंटीजन्स, ठीक है, ये क्या है, क्रिप्टिक हिडन एंटीजन्स। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे जो होते हैं ना एंटीजन्स, जैसे कि ब्रेन के, आइस के और टेस्टिस के, यहाँ पे हम जानते हैं कि ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, आइस में ब्लड ऑक्युलर बैरियर होता है, टेस्टिस में ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, जिसके कारण ये क्या है, इनके तीन एंटीजन्स जो है ना, इन तीनों के एंटीजन्स जो है वो हिडन रहते हैं। ठीक है, तो जस्ट इन केस अगर कभी ट्रॉमा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड ऑक्युलर बैरियर जो है वो ब्रोक, वो टूट गया। मान लो आइस में ट्रॉमा आया, कोई भी तरीके से आपको चोट लगी और आँखों का खून सर्कुलेट होने लगा, तो एंटीजन जो है एक्सपोज हो जाएगा। तो जो आज तक बी सेल जो है हमारा या टी सेल है, इनसे इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे ये, तो इट फील्स लाइक कि ये फॉरेन बॉडी है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, ट्रॉमेटिक यूवेआइटिस हो जाता है। नाउ इग्नोरेंस, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, द सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स माइट नेवर एनकाउंटर द सेल्फ एंटीजन विच दे रिकोगनाइज एंड दे फॉर रिमेन इन स्टेज ऑफ इग्नोरेंस। तो ये इग्नोरेंस की स्टेज में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीनोटाइपिक स्क्यूइंग, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, टी सेल मे एक्टिवेट कम्प्लीटली बट सीक्रेट्स नॉन पैथोजेनिक साइटोकाइंस, हेंस दे आर एक्टिवेटेड बट फेल टू इंड्यूस ऑटोइम्यून रिस्पॉन्सेज। क्या कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो है नॉन पैथोजेनिक साइटोकाइंस रिलीज कर रहा है, जिसके कारण एक्टिवेट होके भी वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, फिर कुछ अदर मैकेनिज्म हैं, जैसे कि मैकेनिज्म जो है ये मैकेनिज्म ऑफ ऑटोइम्यून अब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा मतलब पेरिपेलर टॉलरेंस भी हो चुका है, हमने सेंट्रल टॉलरेंस देख लिया, पेरिपेलर टॉलरेंस देख लिया, अब हम बात करेंगे जस्ट इन केस कि अगर मान लो इन सब में खराबी होती है तो क्या होता है, डैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। तो देखते हैं यार, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यार एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी में क्या है कि यार हाउएवर जब टिश्यू नेक्रोसिस होती है या फिर लोकल इन्फ्लेमेशन होती है तो सिग्नल टू भी जा सकता है। हमने एनर्जी में बात क्या करी थी कि सिग्नल टू नहीं जाएगा, बट अगर टिश्यू नेक्रोसिस हो रही है, लोकल इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो सिग्नल टू भी जा सकता है। तो टी सेल एनर्जी एंड बी सेल एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी टू सिग्नल्स फॉर बोथ सेल्फ एंटीजन एंड फॉरेन, तो जिसके कारण क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरियोसिस। अब टी रेगुलेटरी सेल्स में क्या होगा, अगर लॉस ऑफ टी रेगुलेटरी सेल्स हो जाते हैं तो उसके कारण भी डिफरेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें यार, अगर मान लो ये अपोप्टोसिस में डिफेक्ट आ जाता है, यहाँ की ये अपोप्टोसिस बाय AICD में डिफेक्ट आ जाता है, तो उसके कारण हमारी दो डिसीजेस होती हैं, ALPS एंड SLE। ALPS क्या है, ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलीफरेशन सिंड्रोम, क्या है, ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलीफरेशन सिंड्रोम। एंड SLE क्या है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटस, ठीक है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटस। अब नेक्स्ट हमने क्रिप्टिक की बात करी ली कि अगर ट्रॉमा होता है तो ये जो एंटीजन एक्सपोज होंगे, जिसमें ये एंटीबॉडी बना सकते हैं। तो यार अब कुछ और हम मैकेनिज्म की बात कर लें, अपार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ रेगुलेटरी सेल्स, अपोप्टोटिक डिफेक्ट्स, ब्रेकडाउन ऑफ सेल सिनर्जी। तो फोर्थ नंबर पे आता है हमारा, डेट इज़ कि भाई प्रोवाइडिंग टी सेल हेल्प टू स्टिमुलेट सेल्फ रिएक्टिंग बी सेल्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप डायग्राम देखना ध्यान से कि भाई यहाँ पे हमारा प्रोटीन से बाइंड है हमारा बी सेल, लेकिन जब ये अकेला है, सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स लैक्स टी सेल हेल्प, तो ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है।
लेकिन जब इसको टी हेल्पर सेल की हेल्प मिल जाती है तो क्या होता है कि ये फाइनली प्रोड्यूस करने लगता है ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट आरबीसी एंटीजन। ठीक है, तो अभी जो है नॉर्मल आरबीसी में ये होता है, ठीक है, कि भैया बी सेल अटैच है बट कोई भी एंटीबॉडी रिलीज़ नहीं हो रही है, किसके खिलाफ, आरबीसी के खिलाफ। बट ड्रग इंड्यूस अल्ट्रेशन ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन होता है, तो देखो ये भी साइट बन गई है हमारे टीएच के लिए। तो जब टीएच के लिए साइट बन जाती है तो फिर ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी एंटीजन बनने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, प्रोवाइडिंग टी सेल हेल्प टू स्टिमुलेट सेल्फ रिएक्टिंग बी सेल्स। फिफ्थ बात अगर हम करें तो मॉलिकुलर मिमिक्री, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एंटीजन ऐसा शेयर कर रहे हैं ना जो हमारे सेल्फ एंटीजन के मॉलिकुलरली सिमिलर है। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल कहाँ देखते हैं, तो रूमेटाइड जो फीवर होता है, एक्यूट रूमेटाइड फीवर, उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी बनती है, लेकिन जो ये एंटीबॉडी है वो एक्चुअली एंटीबॉडी बनी थी अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन, बट वो अगेन मॉलिकुलर मिमिक्री करा स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन ने, तो ये जो एंटीबॉडीज है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई हमारे खुद के एंटीजन्स और उसके खिलाफ, हैंस ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बन गया। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो यह पॉलीक्लोनल लिम्फेटिक एक्टिवेशन, इसमें क्या हो रहा है, सीवियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर कैपेबल ऑफ कॉसिंग पॉलीक्लोनल दैट इज एंटीजन नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स और बी सेल्स। तो दो हो सकते हैं, पॉलीक्लोनल टी सेल एक्टिवेशन एंड पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन। ये किससे हो रहा है, ये स्टैफिलोकोकस ऑरियस के कारण हो रहा है और ये एप्स्टीन वायर वायरस के कारण हो रहा है। फिर दो और हैं, एक्सपोजर ऑफ क्रिप्टिक सेल्फ एपिटोप्स एंड बायस्टैंडर क्लासिफिकेशन। तो एक्सपोजर ऑफ सेल्फ क्रिप्टिक सेल्फ एंटी एपिटोप्स में क्या होता है ना कि जो हमारा सेल है उसमें बहुत सारे और एंटीजन्स होते हैं वो जनरली एक्सपोज नहीं करता है। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के टाइम पे नॉट ऑल एपिटोप्स ऑफ एन एंटीजन आर इफेक्टिवली प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड टू टी सेल्स। ठीक है, दीज आर सम नॉन डोमिनेंट क्रिप्टिक एपिटोप्स विच रिमेन सिक्वेस्ट्रेटेड, हेंस टी सेल्स क्लोन रिएक्टिंग अगेंस्ट सच एपिटोप्स आर नॉट डिलीटेड। इसलिए क्या है कि टी सेल के जो एपिटोप्स, टी सेल्स जो हैं सच एपिटोप्स के खिलाफ जो बन जाते हैं ना वो डिलीट नहीं किया जाते हैं, तो ये जनरली रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये कहीं पे हमारा इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा है और मान लो ये क्रिप्टिक सेल्फ एपिटोप्स रिलीज़ कर दिए गए हैं एट द साइट ऑफ द टिश्यू इंजरी, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि इंक्रीज प्रोटीज प्रोडक्शन हो सकता है एंड डिफरेंशियल प्रोसेसिंग ऑफ रिलीज सेल्फ एपिटोप्स बाय एपीसी। तो यार ये था हमारा टोटल इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के बारे में, होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।